दोस्तों, विकसित होते भारत में वैसे तो कई सारी सड़कें मौजूद हैं, मगर इन सड़कों में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिन पर सफर करके आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की इन्हीं खूबसूरत सड़कों के बारे में। नंबर 10, वालपराई अथरपल्ली रोड। शुरुआत करते हैं केरला से, क्योंकि यही वो जगह है जो आज के समय सबसे ज्यादा मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरी पड़ी है, और यहाँ की ट्रिप को भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका भी केरला घूमने का प्लान है तो आपको बता दें कि केरला में एक ऐसी रोड मौजूद है जो भारत की कुछ सबसे सुंदर रोड्स में से एक है, और वो रोड कोई और नहीं बल्कि वालपराई अथरपल्ली रोड है। दोस्तों, ये रोड पूरी तरह से जंगलों और हरे भरे घास के मैदान से भरी हुई है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये रोड अथरपल्ली के पास ही मौजूद एक गाँव से शुरू होती है जो आपको सीधा वालपराई तक पहुंचाती है, और ये रास्ता करीब 140 किलोमीटर तक लंबा है। और आप माने या ना माने, लेकिन ये 140 किलोमीटर का रास्ता ऐसे निकल जाएगा कि आपको इसका पता भी नहीं लगेगा। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मई के महीने में सबसे ज्यादा लोग इस रोड ट्रिप पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मई के महीने का मौसम काफी सुहाना होता है। नंबर 9, बेताब वैली रोड। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेताब वैली की, जिसको बहुत सारे लोग हाजन वैली और हागन वैली के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे भारत की सबसे सुंदर टेरिटरी यानी जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि बेताब वैली का नाम सनी देओल और अमृता सिंह की एक हिट डेब्यू फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया था। आमतौर पर इस वैली का उपयोग अमरनाथ यात्रा के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बेताब वैली रोड पूरी तरह पहाड़ों और हरी भरी घास से भरी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि ये वैली पीर पंजल और जंस्कार नाम की दो हिमालयन रेंजेस के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिस कारण से ये भारत की कुछ सबसे सुंदर रोड्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कुछ सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और ये सच में देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। नंबर 8, भुज धोलावीरा रोड। भुज धोलावीरा रोड हमारे भारत की सबसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव रोड्स में से एक है, जो करीब 130 किलोमीटर लंबी है, और इसके बीच में करीब 30 किलोमीटर का रास्ता तो सीधा लेक ऑफ कच से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं बल्कि जब कभी भी आप इस रोड ट्रिप पर जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये आपकी जिंदगी के कुछ सबसे अच्छे लम्हे हैं, और वहीं अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो ये आपको स्वर्ग के जैसा एक्सपीरियंस देगा, जिस कारण इसे द रोड टू हेवन भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रूट पर काफी सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं, और साल 2021 में यूनेस्को द्वारा इस रोड पर मौजूद कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस रोड पर आपको न केवल कच्छ की लेक का नजारा मिलेगा, बल्कि आइलैंड्स और माउंटेनियस रीजन का भी अद्भुत नजारा मिलेगा। नंबर 7, मनाली लेह रोड। ये बात तो आप सभी को पता ही है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि माना जाता है, और ये रोड कहां तक सुंदर ना हो, क्योंकि ये रोड मनाली और लेह को जोड़ती है। ये रोड करीब 428 किलोमीटर लंबी है, जो इंडिया के नॉर्थ मोस्ट रीजन में मौजूद लेह को यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जोड़ता है, और फिर वहां के होते हुए ये रोड हिमाचल प्रदेश के मनाली तक जाती है। इसकी सुंदरता की बात करें तो इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये अपर ब्यास रिवर की कुल्लू वैली से चंद्रा और लाहौल की भागा रिवर वैली से हिमाचल प्रदेश की अटल टनल को जोड़ती है। इतना ही नहीं, इस ले मनाली रोड का एवरेज एलिवेशन 4000 मीटर का है, और ये 5328 मीटर का हाईएस्ट एलिवेशन रखती है, जो इसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। नंबर 6, गोवा मैंगलोर रोड। गोवा हमेशा ही लोगों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बीचेस तो हैं ही, और यहाँ पर हार्ड ड्रिंक भी काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है, जिससे लोगों को ये जगह और भी ज्यादा पसंद आती है। दोस्तों, गोवा के मैंगलोर के बीच का रास्ता काफी ज्यादा अद्भुत है। ये रोड कर्नाटका के मैंगलोर से शुरू होती है और गोवा में जाकर खत्म होती है, और इस बीच आपको प्रकृति के कई सारे ऐसे वंडर्स देखने को मिलते हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख सकते हैं। आपको बता दें कि गोवा से मैंगलोर वाली इस रोड ट्रिप पर जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है, क्योंकि इस समय पर ठंड खत्म हो रही होती है और गर्मियां रही होती हैं, जिस कारण से यहां के बीचेस पर एक अलग ही आनंद आता है। यही नहीं बल्कि इस रोड ट्रिप के दौरान आप काफी सारी जगहों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें काउप, मेरीज आइलैंड, देवबाग आइलैंड, भतकाल, ओम बीच, पैराडाइज बीच के साथ साथ कई और भी प्रसिद्ध जगहें शामिल हैं जिन्हें आपको जीवन में एक बार देखना चाहिए। नंबर 5, भापुर नयागढ़ रोड।
दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग भापुड़ के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये कुछ खास ज्यादा प्रसिद्ध जगह नहीं है, बल्कि एक साधारण सी जगह है जो अपनी सुंदरता के लिए लोगों के बीच जानी जाती है। ये जगह ओडिशा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी सुंदरता के बारे में बात करें तो ये रोड कई सारे रूरल और सेमी रूरल एरिया से होकर गुजरती है और कंट्री साइड का एक पिक्चर्स्क प्रोवाइड करती है। ये रोड पूरी तरह हरी घास, खेत और नेचुरल लैंडस्केप से भरपूर है, जिसमें आपको कई कई माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, और यही कारण है कि लोग इस रोड ट्रिप पर आना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर मौसम की बात करें तो यहाँ के मौसम का तो क्या ही कहना, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम 2400 घंटे सुहाना रहता है, जिससे हर कोई इस जगह को पसंद करता है। नंबर 4, बुमला पास रोड। बुमला पास रोड असल में एक बॉर्डर पास है जो चाइना के तिब्बत के सोंगा कंट्री और भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के बीच है। ये कुल रास्ता 80 किलोमीटर का है, जिसमें से 37 किलोमीटर से ये इंडिया के तवांग में आता है और वहीं 43 किलोमीटर एरिया चाइना के अंदर आता है। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में पिछले कुछ सालों से चाइना और भारत के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण से आज के समय ये पास अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे घूमने के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह इस वीडियो की सबसे सुंदर जगह है, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ कभी भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये रास्ता सिर्फ एक ट्रेडिंग पॉइंट है तो वीडियो में क्या कर रहा है। तो आप जान लें कि यहाँ आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आर्मी के साथ जाना होगा ताकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। नंबर 3, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग। दोस्तों, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से आपको जो दृश्य देखने को मिलता है उनका तो क्या ही कहना, लेकिन कंचनजंगा का व्यू उनमें से सबसे खास है। अगर आप इस जगह अपनी बाइक से आते हैं या कहीं तो रोड ट्रिप करते हैं, तो इस जगह से अच्छी घूमने के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है कि यहाँ से आपको गांव भी किसी जलते बल्ब की तरह दिखाई देंगे। यहाँ आपको एक कलरफुल कल्चर का नजारा और माउंटेन वेदर का एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो काफी ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ समय समय पर स्नोफॉल होती रहती है, और यही कारण है कि इस जगह को घूमने का सबसे बेस्ट सीजन समर सीजन को माना जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ ठंड कम रहती है और आप कैसे भी वहाँ घूम सकते हैं। ये रोड कुल 63 किलोमीटर की ही है, जिसको पार करने में करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि लोग वहां घूमने के इरादे से आते हैं, जिससे वहां कभी कभी ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है। नंबर 2, गुरुदोंगमार लेक रोड। अब बात करते हैं गुरुदोंगमार लेक रोड के बारे में, जो हमारे भारत की कुछ सबसे सुंदर जगहों में से एक है। इस जगह की सबसे खास बात तो खुद गुरुदोंगमार लेक ही है, जो कि इंडियन स्टेट सिक्किम के ग्रेट हिमालयास के मांगन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये नदी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची रोड्स में से एक है, जिसका एलिवेशन 5,430 मीटर यानी 17,800 फीट है। दोस्तों, गुरुदोंगमार लेक बुद्धिस्ट, सिक्स और हिंदूज के लिए सबसे सेक्रेड लेक्स में से एक है, और इस लेक को गुरु पद्मसंभावना और गुरु रिम्पोचे नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर आप इस रोड ट्रिप पर जाते हैं तो आपको ऐसा शुरुआत से कुछ पलों में तो यही लगेगा कि आप एक आर्टिफिशियल दुनिया में मौजूद हैं। तब तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी सुंदर होगी। नंबर 1, पचमरही रोड। दोस्तों, तो अब बारी आती है हमारे भारत की सबसे सुंदर रोड की, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के मध्य प्रदेश में है। ये जगह मानसून के मंथ में सबसे अद्भुत जगह है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं, और नागपुर से पंचमरही जाने वाली रोड हमारे भारत की सबसे सुंदर रोड है, जिसकी कुल लेंथ 260 किलोमीटर के आसपास है। इस दौरान आपको न केवल हरे भरे दृश्य देखने के मौके मिलेंगे, बल्कि आपको पहाड़ों और अनोखी नदियों का भी एक शानदार व्यू मिलेगा, जिससे आप पूरी तरह मन मुग्ध हो जाएंगे। और अगर आप भी पचमरही रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ठंडियों के दिन में पचमरही में बहुत कम लोग घूमने जाते हैं, पर इस समय भी वहां के दृश्य देखने लायक होते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।